जो भी झारखंड के मेहमान झारखंड की दुकान में आए हैं, उन्हें पेट भर तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा चखाने की कोशिश करूंगा। अगर एक ही खाना खाए तो पेट भर जाएगा और बाकी सब छूट जाएगा, इसलिए सभी आइटम को थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे। मुझे अपने हाथों से झारखंड के रसगुल्ला। दोस्तों, जिंदगी में क्या होना चाहिए? खाना, नाचना, गाना और घूमना। तो मैं और दिलीप घूमते घूमते आज आ गए हैं रांची के RLSY कॉलेज में, जहां गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। और इस सेलिब्रेशन है झारखंडी ट्रेडिशनल सॉन्ग, डांस एंड फूड। तो ये झारखंड के रसगुल्ला है जो मैं टेस्ट करूंगी। लीजिए, ये नमकीन भी लीजिए, मीठा और नमकीन। ये मीठा में और नमकीन में ये कॉम्बिनेशन जो है झारखंड का जो खाना है, इसको मैं टेस्ट करूंगी। बहुत अच्छा है। ये मधुमिता मेरे लिए बचाई है, ये नमकी है और ये मेरे झारखंड का रसगुल्ला है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि ये नमकी में मेरा पेट भर जाएगा। नमकी को बचा कर रखते हैं, बाद में खाएंगे, रसगुल्ला खाते हैं। बात तो है इसकी, ये गुलगुला तो खाए हैं लेकिन ऐसा गुलगुला नहीं खाए हैं। इसमें बात है, झारखंड का भी हर, मुझे लग रहा है कि आपको अलग बनाए हैं, हैंडमेड है, हाथ से बनाए हैं। दोनों दिन रखिए, ये दोनों जो है महीना भर आराम से इसको रख सकते हैं। महीना भर तक भी रख सकते हैं इसको, ये खराब नहीं होने वाला है विंटर में, इसलिए झारखंड का रसगुल्ला। हाँ, ये झारखंड का ऐसा रसगुल्ला है, मीठा है। हाँ, उसके लिए फ्रीजर चाहिए। हाँ, ये ऐसा चीज है ना, मड़ुए का है, मतलब रागी का है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। उसको हम लोगों ने आज से नहीं सदियों से हमारा पुरखा लोग इसको खा के इसको बचा कर रखा है। मैं सोची कि जो भी लड़के, जो भी पढ़ लिख रहे हैं, खासकर जो जागरूक हैं, उनसे कह रहे हैं कि लौट आओ अपने खान पान में। कब तक खाओगे चाइनीज फूड, फास्ट फूड, जापानीज फूड, अंग्रेजों का खाना कब तक खाएंगे? अभी झारखंड और पूरे भारत में बीमारियां ऐसी नहीं थी। जैसे ही बाहर का खाना आया, हमारे यहाँ बाहरी बीमारियां भी आई। जब तक हमारा अपना खाना था, तब तक झारखंड में बीमारियां नहीं थी। एक दो नाम मात्र के सरकारी अस्पताल थे, पर अभी रांची में 5 किलोमीटर में दो दो अस्पताल दिख जाएंगे। और राजधानी में तो जिस तरह लोग घरों में रहते हैं, उस तरह से हॉस्पिटल खुल गए हैं, उससे ज्यादा हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं जगह जगह। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आओ अपने घर में, जहाँ हमारे माँ बाप, दादा, परदादा खाना खाए थे, 100-150 साल तक जिए। और हम लोग क्यों 40-45-50-60-65 में ही गुजर जा रहे हैं? हमें अपने खान पान में सुधार करना है। अब इस झारखंडी रसगुल्ला को लीजिए। आज से पहले झारखंड में रसगुल्ला नहीं था, यही गुलगुला ही हमारा रसगुल्ला था, यही रसगुल्ला था। पर आज के लोग बनाना नहीं जानते, हमारे माता पिता इसे खाए, अभी तो शायद 5% लोग ही से जानते होंगे। हम लोग जब छोटे थे तो बाजार में देखते थे, खाते थे। आप सबों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे होटल में आए, जो टाटी सिल्वे में है। होटल गांव घर, पारंपरिक खाना, आइए एकदम पारंपरिक ढंग से खिलाएंगे और झारखंड का स्वाद भी चखाएंगे, अच्छे से चखाएंगे, ताकि झारखंड का खाना देश दुनिया, क्योंकि झारखंड का खाना देश दुनिया कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का मौसम, रांची का क्षेत्र, ये दूसरा सिक्किम, शिमला है। ठंड है क्योंकि ये हिल स्टेशन है, इसलिए तो इसे छोटा शिमला भी कहते हैं। ये खान पान मड़ुआ बहुत गर्म चीज है, गर्मी देता है, ये सभी आइटम गर्मी देते हैं, सभी लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पर हाँ, जो लोग हमेशा इसका सेवन करते हैं, मड़ुआ रोटी, गुलगुला या खपरी रोटी, खपरी रोटी में 1% तेल भी इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल ये ऑयल रहित है, खाने वाला स्वस्थ रहता है। आप 15 दिन खा के देखिए, आपके शरीर में बिल्कुल परिवर्तन महसूस होगा, आप स्वस्थ नजर आएंगे, ताकत बढ़ जाएगी। ताजा बन रहा है ये जो है,
ये मेरे लिए बन रहा है। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते और खाते जाएंगे। वीडियो कैसा लगा और इसमें बताई जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दोबारा। जोहार।